इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे फास्ट फूड बिजनेस आइडिया या फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में जहां वड़ा पाव के साथ अन्य मुंबई स्ट्रीट फूड भी मिलता है और पॉपुलर फास्ट फूड आइटम्स भी होते हैं। इस बिजनेस को आसानी से शुरू किया जा सकता है और इसमें कमाई भी बढ़िया है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हाँ हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूँ और मैं फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर हूँ जो अमेजन पर अवेलेबल है और जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर, जहाँ नई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए, वड़ा पाव खाना तो सबको पसंद आता है क्योंकि ये टेस्टी भी होता है, सस्ता फूड आइटम भी है और सभी इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब ये चाहे कोई दिहाड़ी कमाने वाला हो या किसी स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो, सभी के बजट में वड़ा पाव फिट बैठता है और इसको खा करके भूख भी आसानी से मिट जाती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वड़ा पाव का बिजनेस करना बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो अब आप सोचिए कि अगर वड़ा पाव के साथ अन्य मुंबई स्ट्रीट फूड आइटम्स जैसे कि समोसा पाव, मिसल पाव, भेलपुरी, साबुदाना वड़ा और इन सब के अलावा सर्व करने के लिए फास्ट फूड आइटम्स जैसे कि बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, वेजेस, टोर्नेडोज हो, तो फिर आप ये तो मानेंगे ही कि ऐसा फ्रेंचाइज फूड बिजनेस जबरदस्त हिट होगा कस्टमर्स के बीच में। और इस वीडियो में हम एक ऐसी ही फास्ट फूड फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे जहां ये सब आइटम्स सर्व किए जाते हैं। और इस फ्रेंचाइज बिजनेस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये 100% वेज फास्ट फूड बिजनेस आइडिया है। आपको वड़ा पाव या वेज बर्गर में क्या ज्यादा पसंद आता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो इस वीडियो में हम जिस कंपनी की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और 2019 तक महाराष्ट्र में इसके 50 के करीब आउटलेट्स थे और अब ये भारत के बाकी शहरों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। इस फूड फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में जानने से पहले जानते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है और इसके टारगेट कस्टमर्स कौन है। इस कंपनी का बिजनेस कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। यह ब्रांड अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनब्रांडेड पॉपुलर फूड को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने ब्रांड के द्वारा कस्टमर्स तक ले जाना चाहता है। तो अब सवाल आता है कि इसके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं? इस कंपनी के टारगेट कस्टमर्स वो हैं जो फटाफट कुछ टेस्टी खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, वो भी कम बजट में। और ये इतना बड़ा कस्टमर सेगमेंट है कि दिन भर कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता है ऐसे बिजनेसेस में। और जब इतने कस्टमर्स आते हैं तो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन की कितनी सेल होगी और कितना प्रॉफिट होगा। सेल और प्रॉफिट के बारे में वैसे हम आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही सिंपल और जायज सवाल खड़ा होता है कि कोई ये वड़ा पाव फ्रेंचाइज क्यों ले जब वो अपना ही ब्रांड शुरू कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इस फ्रेंचाइज बिजनेस के एडवांटेजेस जानेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने फ्रेंचाइजीज को क्या सपोर्ट देती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस फ्रेंचाइज मॉडल के एडवांटेजेस। और पहला एडवांटेज है हाइजीनिक फूड। जब भी हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो हमारे सामने ठेले या रेहड़ी की इमेज दिमाग में आती है जो साफ सफाई के हिसाब से उतनी अच्छी इमेज नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ठेले और रेहड़ी वाले अनहाइजीनिक होते हैं, कुछ बहुत अच्छी साफ सफाई रखते हैं, मगर सभी ऐसा करते ये हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये इमेज हमारे दिमाग में आती है। मगर इस फ्रेंचाइज बिजनेस में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ऐसे समय में जब कस्टमर्स बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता पर बहुत ध्यान दे रहे हैं तो ये है वेज फास्ट फूड बिजनेस आइडिया उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है और इसलिए कस्टमर यहाँ आने से हिचकेगा नहीं। दूसरा एडवांटेज है ऑथेंटिक टेस्ट। खाने के बिजनेस में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है टेस्ट, या ये कहें ऑथेंटिक टेस्ट। ऑथेंटिक टेस्ट का मतलब होता है खाने का वो टेस्ट जैसा कि होना चाहिए या होता है। तो यहाँ कस्टमर्स को बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा जैसा कि उस डिश का होना चाहिए। इस ऑथेंटिक टेस्ट की वजह से कस्टमर वापस लौट कर भी आएगा और चार लोगों को भी बताएगा, जिससे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है वैरायटी इन मेन्यू। इस फ्रेंचाइज बिजनेस के मेन्यू में वड़ा पाव और अदर मुंबई स्ट्रीट फूड एंड फास्ट फूड तो है ही, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब मेन्यू इतना वाइड हो तो कस्टमर्स के पास ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। इसके अलावा कंपनी समय समय पर नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती है, तो इससे फ्रेंचाइजी को अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है। अगला एडवांटेज है इजी टू मैनेज एंड हैंडल द रेसिपीज। इस फास्ट फूड बिजनेस में फूड आइटम्स बनाना बहुत आसान है क्योंकि ज्यादातर आइटम्स फ्रोजन हैं, जैसा कि फास्ट फूड बिजनेस में होता है। और ये फ्रोजन फूड USFDA अप्रूव्ड और ISO सर्टिफाइड किचन्स में तैयार होते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर ये सब फूड आइटम्स तैयार किए जाते हैं। तो जब कस्टमर को कुछ सर्व करना होता है उसको तो उस आइटम को डीप फ्रीजर में से निकाल कर फ्राई करके कस्टमर को सर्व कर दिया जाता है। इससे बार बार सब कुछ शुरू से बनाने का झंझट नहीं रहता और टेस्ट में भी 19-20 नहीं होता है। इससे कस्टमर को कंसिस्टेंट टेस्ट और क्वालिटी भी मिलती है और फ्रेंचाइजी की फूड वेस्टेज भी नहीं होती है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट एडवांटेज है लो रिस्क। हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें रिस्क होता है, इसलिए
किस बिजनेस में रिस्क कम है यह देखना जरूरी होता है। तो इस बिजनेस में रिस्क कैसे कम है? यहाँ रिस्क कम है क्योंकि एक तो फ्रेंचाइजी का स्टार्टअप कॉस्ट कम है, दूसरा चलाने का खर्चा या ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, तीसरा टारगेट कस्टमर बेस बहुत बड़ा है जैसा हम देख चुके हैं, और चौथा कारण है सेल पर शानदार मार्जिन। तो इन सब कारणों से इस बिजनेस का रिस्क कम है। इस फूड फ्रेंचाइज के क्या खर्चे और कमाई है वो हम आगे एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है नो रॉयल्टी फी। रॉयल्टी फी का ना होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फ्रेंचाइज बिजनेस का। जी हाँ, फ्रेंचाइजी को कोई रॉयल्टी फी नहीं देनी है, तो इस वजह से फ्रेंचाइजी को अपना प्रॉफिट भी किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है, और इससे फ्रेंचाइजी की बहुत बड़ी सेविंग होती है। और हमारा लास्ट एडवांटेज है प्रूवन बिजनेस मॉडल। इस कंपनी का फ्रेंचाइज बिजनेस पिछले कुछ सालों से चल रहा है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल मार्केट में खुद को साबित कर चुका है। कंपनी हर 30 सेकंड में एक कस्टमर को सर्व करती है और वो अब तक 2 करोड़ से ज्यादा वड़ा पाव सर्व कर चुकी है। तो ऐसे फूड फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल का फेल होने का चांस बहुत कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि ये फास्ट फूड कंपनी अपने फ्रेंचाइजीज को क्या सपोर्ट देती है। पहला सपोर्ट है कंपनी फ्रेंचाइजी के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करती है। कंपनी के पार्टनर्स का मिला करके फूड बिजनेस में 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ में उनके और भी कई फूड वेंचर्स हैं जिनके लिए उनको अवार्ड्स भी मिले हैं, और ये सब करके उन्हें जो एक्सपर्टीज प्राप्त हुई है वो अपने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर करते हैं, जिससे फ्रेंचाइजी को ये पता होता है कि उन्हें क्या और कैसे करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट सपोर्ट है डेडिकेटेड R&D। कंपनी के पास अपना डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिसका काम होता है नए नए प्रोडक्ट्स लाना, वो भी आकर्षक कीमत पर। इस तरह से फ्रेंचाइजी को हर कुछ समय में बेचने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचे जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है फुल सपोर्ट इन स्टार्टिंग बिजनेस। ये ब्रांड फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने में कंप्लीट सपोर्ट और एंड टू एंड सॉल्यूशंस देता है, जैसे कि साइट सिलेक्शन से लेकर फाइनलाइजेशन ऑफ द साइट तक, साथ ही में आउटलेट का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, लाइसेंस लेना, स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप करना, लोकल मार्केट में वेंडर को ढूंढना और उनके साथ टाई अप करवाना, मैन पावर रिक्रूट करना और ट्रेनिंग देना, साथ ही में मार्केटिंग सपोर्ट, ऑपरेशन सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड और भी बहुत कुछ सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलता है। तो चलिए बढ़ते आगे और अब जानते हैं इस फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के रिक्वायरमेंट्स। ये वड़ा पाव फ्रेंचाइज बिजनेस को शुरू करने के लिए एरिया चाहिए होता है 150 स्क्वायर फीट का, और इसमें इन्वेस्टमेंट सब कुछ मिलाकर के 7.5 लाख रुपए होती है, जिसमें से 2 लाख की फ्रेंचाइज फीस होती है। तो इस तरह से ये फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी सस्ता है, और यहाँ पे फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टर्म 5 साल का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वड़ा पाव फ्रेंचाइज बिजनेस के रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कैसे है, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इस एग्जांपल को हम डेली सेल्स के 3 ऑप्शन के साथ समझेंगे। पहले ऑप्शन में हमारी डेली सेल है 5,000 रुपए, दूसरे ऑप्शन में हमारी डेली सेल है 7,500 रुपए, और तीसरे ऑप्शन में हमारी डेली सेल है 10,000 रुपए। तो अगर ये हमारी डेली सेल है तो हमारी महीने की सेल हो जाती है ऑप्शन 1 में 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन 2 में 2,25,000 रुपए महीना, और ऑप्शन 3 में हमारी महीने की सेल हो जाती है 3 लाख रुपए। और अगर हम ये माने कि हमारी जो फूड कॉस्ट है वो टोटल सेल का 40% होती है, तो इस हिसाब से हमारी महीने की फूड कॉस्ट हो जाती है ऑप्शन 1 में 60,000 रुपए, ऑप्शन 2 में 90,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब चलाने का खर्चा, जिसमें कि हमारा किराया, 2 लोगों की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब आ जाता है, और वो तीनों ही ऑप्शंस में बराबर सा रहेगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट या चलाने का खर्चा महीने का है 50,000 रुपए और हमारी रॉयल्टी तीनों ही केसेस में है 0 रुपीज, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मंथली सेल में से अगर हम अपनी फूड कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट घटा दें तो हमारा मंथली प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो होता है ऑप्शन 1 में 40,000 रुपए महीना, ऑप्शन 2 में 85,000 रुपए महीना, और ऑप्शन 3 में हमारा प्रॉफिट हो जाता है 1,30,000 रुपए महीना। और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साल का प्रॉफिट निकल आएगा, जो होता है 4,80,000 रुपए, ऑप्शन 2 में हो जाता है 10,20,000 रुपए, और ऑप्शन 3 में हो जाता है 15,60,000 रुपए। आपने इस तरह के फूड स्टॉल्स को चलते हुए देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर कितनी भीड़ होती है, कितनी सेल होती है, तो उसके हिसाब से ये जो हमने तीनों ऑप्शंस लिए हैं ये बहुत ही पॉसिबल ऑप्शंस है। और अगर आपको लगता है कि कोई कॉस्ट ज्यादा है या सेल ज्यादा हो सकती है तो आप उसके हिसाब से अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। मैं आपके साथ कंपनी का नाम और बाकी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, और उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। और अगर आप कोई और फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो ये वाला वीडियो भी आपके लिए सूटेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।